नमस्कार साथियों, अगर आप यूपी से संबंधित हैं, अगर यूपी के नागरिक हैं, अगर आप यह चाहते हैं कि आप कैसे अपना घर बैठे हुए निवास प्रमाण पत्र यानी कि आवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, तो मैं आज आपको वह बताने वाला हूं। क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और दबाएं इस बेल आइकन को सबसे पहले टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप ई साथी उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पर साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रमाण पत्र बनाने से पहले इसमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के जो सुरक्षा कोड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है उस सुरक्षा कोड को यहाँ पे फिल करना पड़ता है, जैसे कि KR2YC7 इसे डालिए और यहाँ सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने में एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कुछ नीचे में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे है आवेदन भरे, तो इसमें आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको आवेदन करना है अपने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए, तो इस पर आप सिंपली से क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए सेवा चुनने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने में फिर एक नया पेज ओपन होगा जिसमें से कि आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। जैसा कि देखिए नया पेज ओपन हुआ, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें, बस इस पर आप सिंपली से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में एक नया पॉपअप के अनुसार एक पेज दूसरा ओपन हो जाएगा। आप यह इंस्ट्रक्शन अपने स्मार्टफोन में भी लागू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कंप्यूटर में बता रहा हूं तो यह आपके कंप्यूटर पे ही लागू होगा, यह आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्र आपको सेलेक्ट करनी है, ग्रामीण या नगरीय। फिर यहाँ पे प्रार्थी का नाम, जो भी आपका नाम है या जिनके नाम के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे भर दीजिए। फिर यहाँ पे दो नंबर में आता है पिता या पति का नाम, तो पिता पति संरक्षण तीन ऑप्शन दिए गए। अगर किन्हीं के पति का नाम आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे पति को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर पिता का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे पिता को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर उनके पिताजी जिंदा है तो श्री का ऑप्शन ठीक है, अगर वो मर गए हैं तो यहाँ पे स्वर्गीय श्री आप क्लिक करते हैं यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे माता का नाम आपको लिखना है, फिर जो उनकी जन्मतिथि सही होगी, यहाँ DDMMYYY लिखा हुआ यानी कि पहले डे फिर मंथ उसके बाद ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर जन्म का स्थान क्या होगा वह भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, अगर जन्म का स्थान आपको भरना होगा तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी भर सकते हैं। फिर जो आपका पता है इसे आपको ठीक तरीके से फिल करना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आप ना करें। सबसे पहले मकान नंबर, तो आपको मकान नंबर कहाँ मिलेगा, तो आपके पास जो आपका आईडी प्रूफ होगा वोटर आईडी कार्ड उस पर आपको आपका मकान नंबर मिल जाएगा, उसे यहाँ पे आपको भर देना है। फिर आपको अपना मोहल्ला भरना है, फिर जनपद सेलेक्ट कीजिए, फिर तहसील, यहाँ पे आप तहसील पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे बहुत सारे नाम दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी आपका तहसील है आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहीं पे आप क्लिक करके अपने थाना को भी सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अगर आप जब तक कोई तहसील सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक थाना का ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने तहसील को सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए थाना कंधरापुर ऑटोमेटिक ले लिया। फिर यहाँ पे ग्राम चुने तो गाँव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे चालू जो नंबर हो वही आप यहाँ पे डालें। फिर निवास की अवधि, आप अगर जन्म से रह रहे हैं तो यहाँ जन्म से, अगर आप नए आके इस जगह पे बसे हैं तो यहाँ पे वर्ष भरे पर क्लिक कीजिए और अपना वर्ष आप भर सकते हैं। जब वर्ष भरे पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए वर्ष भरने का एक कॉलम आ जाता है। फिर आता है प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता, किस आवश्यकता के कारण आप यह प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो आवश्यकता का नाम भर दीजिए या कारण भर दीजिए। फिर 10 नंबर में है क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर आपको आप पहली बार निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं ही रहने दीजिए। अगर आपने पहले भी अप्लाई किया हुआ है और आपके पास आवास प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे आप हाँ कीजिए, हाँ करने के बाद आपको यहाँ पे आपके उस आवास प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन आईडी पूछा जाएगा, नंबर पूछा जाएगा, वह नंबर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर वह आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं ही रहने दीजिए। फिर है आपको आगे आना है, यहाँ पे लिखाई पड़ रहा है आवेदक ने शुल्क जमा किया है आवेदन के लिए, अगर आपने शुल्क जमा नहीं किया है तो आप नहीं रहने दीजिए।
नहीं रहने दीजिए। फिर यहाँ पे आधार संख्या, आपका जो आधार कार्ड में जो संख्या है उस संख्या को यहाँ पे भर दीजिए। फिर है यहाँ पे संलग्नक, संलग्न करें, तो संलग्नक शीर्षक यहाँ पे आप क्या संलग्न करना चाह रहे हैं, फोटो या स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड या बिजली का बिल की छायाप्रति या वोटर पहचान पत्र की छायाप्रति या कुछ अन्य, तो यहाँ पे आप जो भी होगा उसे आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उसकी एक फाइल बना लीजिए पीडीएफ में। पीडीएफ में फाइल बनाने के बाद अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करके रख लीजिए। फिर चूज फाइल पर क्लिक करके आपका फाइल जहाँ भी होगा वहाँ से उसे आप सेलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। अपलोड कर देने के बाद दर्ज करें पे आपको क्लिक कर देना है। जब दर्ज करें पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी सारी बातों को आपने भरा होगा वो सारी बातों के साथ आपका फोटो या आपका जो आईडी कार्ड होगा वह वहाँ पर दिखाई पड़ेगा और आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा। जब एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा तो आपको कोई काम नहीं करना है। सबसे पहले आपको मुख्य पृष्ठ पर चले आना है क्योंकि आपको 10 रुपये पैसे इसमें शुल्क जमा करने होते हैं। तो चलिए मुख्य पृष्ठ पर चलते हैं। मुख्य पृष्ठ पर आने के बाद यहाँ पे देखिए सेवा शुल्क का भुगतान, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन आईडी आपको मिला होगा उस एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पे डाल दीजिए और फिर जाके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे, उस इन्फॉर्मेशन को भरते हुए अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो 10 रुपये आप यहाँ पे अलाउ कर दीजिए। उसके बाद जो आपको एक रिसीविंग मिलता है उसे आप डाउनलोड करके रख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना आवेदन पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं ई साथी उत्तर प्रदेश वेबसाइट से। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी बात समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार से कोई संदेह होता है या कोई मन में क्वेश्चन होता है तो आप वीडियो में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों बाय बाय, सी यू अगेन, धन्यवाद।